क्योंकि सरपंच सिर्फ अपने गांवों का सरपंच है, हमें सारी दुनिया का ख्याल रखना पड़ता है। हम सिर्फ 20 मकानों पे मुअसर नहीं करते हैं, हमारे पास अगर गांव में 100% आबादी है तो हमें 100 लोगों को देखना पड़ेगा। हमें सिर्फ उस गांव के 40 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 15 बच्चे को नहीं देखना है, हमें सबको देखना है। प्रोटेस्ट है ये, सच में लगातार चल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, श्रीनगर में चल रहा है। क्योंकि हमारा जो मसला है, पहले हमारा मसला था कि इन्होंने हमें पिछले हफ्ते काउंसलरों और पंचों के हवाले करने का मशवरा किया है और ऑर्डर भी निकाला है जो हमें कतई मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह हम 40 साल से काम कर रहे थे, काम करेंगे, उसी तरह हमें काम करने दीजिए। खुदा के लिए हमें बता दीजिए, पांच जो है मेरा भाई काउंसलर, जो मेरा भाई, जो मेरा बच्चा भी हो सकता है, आप खुदा रहा ये बता दीजिए कि आंगनवाड़ी वर्कर 40 साल से काम कर रही है, क्या आप लोग इन सरपंचों या काउंसलरों को 5 साल के बाद कहाँ रख देंगे? हमें ये बता दीजिए कि हमें 5 साल के बाद किन के हवाले किया जा रहा है। अगर यहाँ मिलिट्री राज होगा, क्या हम उनके हवाले हो जाएंगे? हमें इस बात का जवाब चाहिए। हम चाहते हैं कि जिस तरह हम काम करते थे, काम करते हैं, और हम उसी तरह काम करना चाहते हैं अपने सेंटरों पर। दूसरी मांग हमारी जो थी, सबसे पहले पिछले साल से आज तक हम यही बोल रहे हैं कि आप देखिए, बाकी इतना बड़ा जो हिंदुस्तान है, 22 स्टेट है हिंदुस्तान की, आप सोच लीजिए, देख लीजिए, गौर कीजिए कि उन स्टेटों में एक आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की कितने ऑनरेरियम है। आपकी जुबान से हम, आप लोग ऑनरेरियम बोलते हैं, मगर हम अपनी जुबान से उसको तनख्वाह बोलते हैं। आप देख लीजिए कि हमारी बाकी स्टेटों में कितनी पे है, 18,000, 20,000, 21,000। नहीं, हम तो जाएंगे क्योंकि हमारी खुद की ड्यूटी होती है, हम जाएंगे नहीं। हमें पता है ये सारे का सारा मामला वोट बैंक के लिए है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई भी आदमी, चाहे उसमें काउंसलर हो, चाहे उसमें सरपंच हो, चाहे कोई भी एरा गैरा, हम उनको वोट डालने की कोशिश करेंगे और लोगों को अवेयर करें कि उनको वोट डालो, क्योंकि इलेक्शन बहुत जरूरी है। हम वो काम नहीं करेंगे तब तक जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। हर एक चीज का जवाब हमें दे दीजिए, तब हम काम करने के लिए।